उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले एक टीवी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव का अब्बू जान कहकर पुकारा, तो आज अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले लिया। इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने यह कहकर बवाल खड़ा कर दिया कि यदि योगी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। खैर, आज की रिपोर्ट में यूपी की सियासत से मिल रहे संकेतों के मायने आपको समझाएंगे और दिखाएंगे प्रयागराज में भारी वर्षा के चलते लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के राज में किसान बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर किसान को उसकी जमीन का उचित मुआवजा मिलेगा। अखिलेश यादव ने दोहराया कि समाजवादी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्हें अपनी जुबान संभालने की नसीहत भी दी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो वो हमारा किसान है, अन्नदाता है, जो हमें रोटी देता है, जो हमें पहनने के लिए कपड़े देता है। आज सबसे ज्यादा दुखी वही किसान है। और अगर विकास के लिए जमीन चाहिए तब भी हमारा किसान ही जमीन दे रहा है, और जहां उसको सही तरीके से योजना के बारे में समझा दिया जाता है। हमारे देश का किसान कभी भी विकास के खिलाफ नहीं है, तरक्की के खिलाफ नहीं है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देश में बने हैं, किसानों ने अपनी कीमती जमीन दे दी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सामने लगातार हमारे ये किसान आंदोलन करने वाले लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार उनसे अपनी मांग रख रहे हैं, तरह तरह का तरीका अपनाया कि सरकार जाग जाए, सरकार तक बात पहुंच जाए। किसान कल्याण समिति बना करके लगातार संघर्ष छेड़ा। मैं दोनों लोगों को, बबली गुर्जर को और सतीश राठी को बधाई देता हूं। उनके साथ बहुत सारे किसान हैं जो लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं। मैंने भरोसा दिलाता हूं कि इस सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है, उत्पीड़न किया है, ज़मीनें भी छीन ली हैं और ऐसे काले कानून ले आए हैं कि समय आने पर किसानों के खेत की मेड़ टूट जाएगी और उनकी ज़मीन भी कब्जा कर लेगी सरकार। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो आपके साथ न्याय होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा सरकारी रेट बढ़ा करके और 4 गुना मुआवजा दिया है, उसी तरह की व्यवस्था के लिए आपका सहयोग करने का काम समाजवादी लोग करेंगे आने वाले समय में। पहले पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा, और मंचों से यह कहा, प्रधानमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, कि 2022 तक हम किसान की आय को दोगुना कर देंगे। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती है जनता कि आखिरकार आज किसान की आय क्या है। आज जो महंगाई बढ़ गई है, जो कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं और लगातार महंगाई को बढ़ा रहे हो, आज किसानों की आय क्या है। और 2022 तक वादा किया था किसानों की आय दोगुनी कब हो जाएगी। ये तो पहले पन्ने की बात थी। दूध को लेकर भी उन्होंने बहुत विस्तृत न जाने कितनी जानकारी दी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क को लेकर के बड़े पैमाने पर योजनाएं तैयार होंगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से हर जिले में 4 जिलों में समूह में एक संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की स्थापना की जाएगी।
समाजवादी सरकार थी तो दो अमूल के बड़े बड़े प्लांट लगे थे जिनके 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट है, एक कानपुर देहात में, एक लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था, इटावा में मदर डेयरी का नेताजी ने लगवाना शुरू किया था, उसको पूरा करने का काम पिछली सरकार में समाजवादी सरकार में हुआ। 15 लाख के अलावा जो उत्तर प्रदेश की अमूल से पुरानी है पराग, उसमें भी 1000 करोड़ रुपया लगा करके उसको भी पटरी पर लाने का काम किया था। आज हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके ही घोषणा पत्र से, उन्हीं के संकल्प पत्र से, दूसरा सवाल कि उनके तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं, गुजरात से संबंध अच्छे हैं तो आखिरकार अमूल का प्लांट वही जो समाजवादियों ने लगाए थे वही लगे हैं, आखिरकार वो नए प्लांट क्यों नहीं लाए 4.5 साल में, उनको किसने रोका था? और समाजवादी सरकार चली गई, जो उत्तर प्रदेश में अमूल के प्लांट लगे हैं वहां उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो अमूल के डेयरी प्लांट लगे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा, उनका प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा है, वो भी दूध गुजरात से ला करके अमूल के प्लांटों में दिया जा रहा है। जब गुजरात से आप ला सकते हैं, हमारे किसानों का क्यों नहीं ले रहे आप? और आज भी 1000 करोड़, यहां वेस्टर्न यूपी के लोग बैठे हैं, हमारे प्रमोद त्यागी जी जिलाध्यक्ष बैठे मुजफ्फरनगर के, राजपाल सैनी जी पूर्व मंत्री रहे हैं और लोग भी हैं, वो जानते होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का बकाया आज है गन्ने का। सरकार कहती हमने भुगतान किया है, सवाल भुगतान का नहीं है, सवाल बकाया का है। इसलिए इन सवालों को यहीं छोड़ता हूं मैं, अभी लगातार हम और आप मिलते रहेंगे। पहले सवाल का जवाब नहीं मिला क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसी और भाषा को जानते हैं, उनके कानों तक किसानों की भाषा नहीं पहुंचती, किसानों की पुकार नहीं पहुंचती, उन्हें तो चुनाव को दूसरी तरफ लेना आना है। मैं तो केवल एक ही कहूँगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का स्वागत कर रहे हैं आप, उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जहां पर अपमानित होती थी बहनें हमारी, उनके कपड़े छीन लिए गए थे ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खुलेआम पैसा दिया गया, आप उनका स्वागत कर रहे हैं? इससे बड़ा पाप लोकतंत्र में कोई नहीं कर सकता। कौन किससे सीख रहा है आप भी जानते हो, मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या रही है आप उससे भी जानिए। क्या मैं आपके पिताजी को अब्बू जान कह के बुला सकता हूँ? आपका नाम क्या है आप बताइए ना। हाँ सोचिए आप, ये भाषा मुख्यमंत्री होगी, जिस मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो उसके मंत्री उसके सहयोगी कैसी भाषा बोलेंगे, क्या उम्मीद करोगे? आज सबसे ज्यादा दलित पिछड़े मुसलमान जेल में हैं, कौन जिम्मेदार इसके लिए? दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हालिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में यह साफ हो गया है कि जनता विकास चाहती है और वह भाजपा के साथ है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनने के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सकुशल संपन्न हुए, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो लगभग 870,000 से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है और ये प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न हुआ है। और इसमें जब समुद्र मंथन होता है तो उससे कुछ अमृत भी निकलता है और उसके फलस्वरूप आपका चयन हुआ है 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। 825 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 700 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। चुनाव कैसे संपन्न? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से,
और बहुत सारी जगह निर्विरोध चुनाव हुए, और मैंने तो कुछ जगह यह भी देखा कि विपक्ष चुनाव के दिश से जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। पब्लिक की प्रतिक्रिया वास्तव में देखने लायक प्रतिक्रिया। उधर उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लखनऊ में ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले लिया। नड्डा ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को सत्ता के लिए नहीं चुना जाना चाहिए। नड्डा ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने और सफल टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार की भी जमकर प्रशंसा की। आज फलाने का राज है, फलाने का राज है मतलब फलाने जात का राज है, आज फलाने का राज है तो फलाने की जात का राज है। समाज का राज, देश का राज कभी था ही नहीं। आज सबका राज, सबका साथ, सबका विकास लेकर के चले हैं तो योगी जी की सरकार चली है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अमेरिका सिर्फ सरकार लड़ती रही कोरोना से, ब्राजील सिर्फ सरकार लड़ती रही, इटली सिर्फ सरकार लड़ती रही, ये भारत है जहां मोदी जी ने ताली बजाओ थाली बजाओ से लेकर दिया जला करके भारत देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया, इस बात को हमको समझना चाहिए। हमसे कई बार लोग पूछते ताली बजाओ थाली बजाओ, मैंने कहा तुम क्या जानो इसका अर्थ क्या है, अगर समझ में आ जाता तो आपका राजनीति में यह हाल थोड़ी ना होता। यह हाल आपका इसलिए हुआ है कि आपने हर अच्छे काम को, यह बीजेपी की वैक्सीन है, आप फोटो खिंचा रहे लगवा करके, मैं बोलूं इसमें दवा कौन सी है, ये मतलब हमको समझना चाहिए कि किस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं, कितनी छोटे छोटी मानसिकता लेकर के राजनीति कर रहे हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान किया इन्होंने देश का ये बोल करके कि हमको तुमने गिनी पिग समझ रखा है, हैं तो बिना बिना तीसरी ट्रायल के तुम लोगों पर इसको इस्तेमाल कर रहे हो, हम भेड़ बकरी नहीं है, ये नेताओं ने कहा। आजकल मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ लगवा ली वैक्सीन, बोले हाँ, मैंने कहा तो अब आप भेड़ बकरी है क्या है। दूसरी ओर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राज्य में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन की अटकलों के बीच दावा किया है कि भाजपा भले ही उनकी सभी शर्तें मान ले, लेकिन यदि पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो वह उससे गठबंधन नहीं करेंगे। राजभर ने कहा कि 27 अक्टूबर को हम अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे और उसी दिन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने फैसले की घोषणा करेंगे। राजभर ने दावा किया कि इसी दिन यानी 27 अक्टूबर को भाजपा की विदाई की तारीख भी तय हो जाएगी। राज्य की भाजपा सरकार में 2017 से 2019 तक पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग जन कल्याण मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि अव्वल तो भाजपा से उनका गठबंधन नहीं होने वाला है, लेकिन अगर कहीं कोई संभावना बनी तो भाजपा को हमारी शर्तें माननी होंगी। इन शर्तों में देश में जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री घोषित करना, एक समान और अनिवार्य निशुल्क शिक्षा आदि शामिल है। आइए आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। यहाँ भारी वर्षा के चलते गंगा उफान पर है और अब तो बड़े हनुमान जी मंदिर में भी पानी भर गया है। यही नहीं, कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक हफ्ते के आसपास से गंगा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे 1000 के आसपास जो भी मकाने हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ रहने वाले लोगों में ज़्यादा करके विद्यार्थी हैं, जो छात्र यहाँ पे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं, तो उन्हें इसेंशियल सर्विस के लिए और ज़रूरी चीज़ें जैसे कि साग सब्जी ये सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और लगभग गांठ भर पानी भर गया है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे विपरीत या फिर अनुकूल ना कहें परिस्थितियों का ऐसी सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण अब यहाँ के बच्चे अपने गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं। अब जैसे ही यह स्थिति सामान्य होगी फिर वहाँ गांव से अपने यहाँ पे रूम पे आएंगे तैयारी करने के लिए। पानी तो 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि अब खाने पीने का सामग्री जो है अब बाहर जाके लेने में प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम सभी लोग जितने स्टूडेंट हैं यहाँ के
तो अपने घर के लिए प्लान करेंगे और शायद ये 2-4-10 दिन तक स्थिति बनी रहे, उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर सोचेंगे कि आके अपने रूम पे यथास्थिति पढ़ाई लिखाई किया जाए। आज के दिन का प्रतीक्षा सभी को होती है, विशेषकर प्रयागवासियों को, उसे पूरा भारतवर्ष इसी प्रतीक्षा करता है कि गंगा जी यदि हनुमान जी को स्नान कराती हैं तो वह वर्ष पूरे भारत में ही नहीं विश्व में सुखमय रहता है, भारत का किसान सुखमय रहता है, भारत के लोग सुखमय रहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।